हेलो गाइस, वेलकम टू बुल मोटर्स। मेरा नाम है प्रथम चौरसिया और मैं फिर आ गया एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज ये है हमारा थर्ड पार्ट हमारे RS 200 बिल्ड का। तो अभी हम फिर से आ गए अखिल भाई के पास स्टार्ट डे पर, आप चेक कर सकते हो। हमारा काफ़ी सारा काम हो चुका है, अभी बेस वाइट हो चुका है, हमारा बेस ब्लैक हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करो गाइस, इस पर काफ़ी सारे डीप स्क्रैचेस थे, अखिल भाई ने वो सारे भर दिए एंड ये ब्लैक मार दिया है बेस। ये हमारा अंडरबेली ब्लैक हो गया है, ये भी ब्लैक, ये भी बेस हो चुका है। ये एग्जॉस्ट का कवर है, ये साइड के बड़े पैनल का ट्रायंगुलर पीस है, ये जैसे यहाँ पर है ये पीस है ये। तो ये दो भी हो गए एंड ये चेक करो गाइस, ये वाइट भी हो चुका है। ये सेंटर में एक्चुअली वाइट रहेगा, साइड से ब्लैक रहेगा, उसके ऊपर यहाँ वाइट स्ट्राइप्स रहेंगे और ये वाइट भी हो चुका है। ये ग्रिल का सिवित्ता पीस वाइट है तो वो भी रेडी हो चुका है, अभी इसके ऊपर से ब्लैक स्प्रे करना है एंड सेम इस पे जाएगा। ये हमारे फेस मास्क के जो दो प्रोजेक्टर रहते हैं उसके नीचे के पैनल है तो वो भी हो चुका है वाइट। ये फ्रंट मडगार्ड वाइट हो चुका है, काफ़ी सारा सामान हो चुका है एंड ये रेड होने वाला है इसलिए बेस सिल्वर मार के रखा है। ये नीचे का ब्लैक है, सेंटर का ब्लैक है, ये जो भी है ये रेड होने वाला है। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर इस चीज़ को मास्क करने के लिए एंड इस चीज़ को मास्क करने के लिए एंड ये जो पीस है इसको मास्क करने के लिए। एक बार ये तीनों चीज़ें, तीन चार चीज़ जो भी है सारी मास्क हो जाएगी, उसके बाद में आज का हमारा काम पूरा हो जाएगा। फिर अखिल भाई इसके ऊपर रेड स्प्रे करने वाले, एक बार रेड स्प्रे हो जाएगा उसके बाद में वो उसको वापस मास्क करने आना पड़ेगा। फिर मास्क करके हम पूरा ब्लैक, जितना रेंज पे ब्लैक है वो सारा ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लैक हो जाने के बाद उसके ऊपर लेकर स्प्रे करने का रहेगा एंड फिर स्टिकर विकर लगा कर वो सारी चीज़ चली जाएगी बाइक पे। तो प्रोसेस तो आपको समझा दिया, अभी थोड़ा मास्किंग कर लेता है। गाड़ी 50 के ऊपर चलाओ, टेंशन आता है ना कुछ हुआ तो, इतना खर्चा करने के बाद। तो गाइस फाइनली हमारा मास्किंग करके भी हो गया ये सारा चीज, फिनिशिंग देख सकते हो आप, सेम एज इट इज ये चीज पे भी किया हुआ है एंड तीसरा ये वाला पैनल मास्क किया है। इसके होल्स हम लोग ने पीछे से कवर किए सारे, क्योंकि यहाँ से पेंट उड़ेगा अंदर तो ये सारा वाइट जो है उसका कलर बिगड़ जाएगा। तो गाइस आज का जो भी थोड़ा बहुत काम था वो सारा कुछ हो चुका है, अभी कल आने का है। कल जब सिल्वर बेस हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो उसके ऊपर मास्किंग करेंगे हम एंड फिर उसके ऊपर वाइट आएगा। तो आगे का व्लॉग हम कंटिन्यू कल के दिन में करेंगे, तो तब तक के लिए मिलते हैं। तो आज है दूसरा दिन हमारे व्लॉग का, हमारा जो RS बिल्ड है उसका पार्ट 3 का सेकेंड डे। तो हम पहुंच गए अखिल भाई के पास एंड चेक कर सकते हो आप, हमारा रेड का सेक्शन पूरा हो चुका है और जो शाइन है भाई इसके ऊपर तो लेकर और ग्लिटर बाकी है। अब तक ये कैंडी रेड एज इट इज इतना शाइन कर रहा है, जब इसके ऊपर लेकर और ग्लिटर आएगा तो ये तो बहुत ऊपर जाएगा। साइडो साइडो साइडो, ये देखो ये है भाई, पूरा पैसा वसूल, इसका ग्लॉसीनेस भाई प्यार हो गया मेरे को इससे, जो चाहिए था वही है ये सब। तो गाइस आगे का सीन बता देता हूँ मैं, अभी हम जा रहे हैं इस टैंक पैनल पे एंड ये साइड पैनल पे हम लोग स्टिकर करने वाले। तो पहले वो स्टिकर होएगा, उसके बाद उस पर लेकर करने वाले। अखिल भाई ने भाई नेक्स्ट लेवल काम कर दिया है। ये पैनल कल हमने मास्क किया था तो ये रहा मास्किंग टेप एंड ये फिनिश चेक करो। तो अभी यहाँ पर वापिस आज मास्किंग होगा थोड़ा एंड फिर इसको ब्लैक करके हमारा ये पूरा हो जाएगा एज इट इज। इस पे होने वाला है स्टिकर होगा, लेकर होगा, मास्किंग करेंगे, फिर ब्लैक स्प्रे करेंगे एंड ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते रहिए आप, इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छी चीज बनाने वाले होंगे। हमारे साथ अखिल भाई भी है,
एंड जयेश भी है, तो कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। गाइस अखिल भाई कह रहे थे कि वो पैनल अंदर जितने अच्छे दिख रहे बाहर निकलने के बाद उससे बहुत ज्यादा अच्छे दिखने वाले, तो जयेश अभी ले आ रहा है पैनल बाहर। मैं कैमरा स्विच कर रहा हूँ। अरे रे 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 भाई बहुत सही दिख रहा है, बहुत सही। लेके आ दूसरे पैनल्स भी लेके आई, ये तो भाई प्यार हो गया मेरे को। ये चेक करो गाइस धूप में देख लो। तो गाइस बाहर आपने सनलाइट में देखा वो पैनल कितना हाईलाइट हो रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है भाई। ये और पैनल्स आ गए इधर इधर, बहुत सही दिख रहे। अभी जब इस पर स्टिकर और मास्किंग हो जाएगा ना भाई, तो कोई टच भी नहीं कर पाएगा अपन को। क्वालिटी प्रोडक्ट भाई। ये जो पट्टा है ना, इसको अपन को वो ही काला मारने का, ये वाला। अच्छा। ये और वो पट्टा, बस ये पट्टे है ना। हाँ। तो गाइस अभी बात हुआ अखिल भाई से, हम लोग का ये जो चेसी है ये ग्लॉसी ब्लैक है, तो वो स्क्रैप थोड़ा ऑड दिखता था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि ये जो स्क्रैप है बड़ा दोनों साइड पर, इसको मैट ब्लैक कर देने का वो ग्लिटर वाला। तो उन्होंने कहा है कि अभी कल जब वो ब्लैक सेक्शन लेंगे, मतलब जो ग्रिल है हमारा नया वाला, उसके ऊपर जब वो ब्लैक मारेंगे तब साथ में चेसी भी हो जाएगा। तो कल हम बाइक खोलेंगे और फिर ले आएंगे, तो वो ब्लैक भी हो जाएगा, थोड़ा इवन रहेगा गाड़ी। क्या काम कर रहे तो थोड़ा परफेक्शन मैटर करता है ना, तो वैसे ही थोड़ी ना अपन के भाई गाड़ी खड़ी गाड़ी लाओ पूरा काला कर दो और लेके जाओ, इतना सस्ता तो हमारा काम भी नहीं है। जीबी भी बनाते क्या रबर का अंदर? ये पैंट पे क्यों चिपका है आपने टेप? उसका ग्लू ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो निकलेगा, तो पेंट साथ में लेके नहीं निकले इसीलिए। तो गाइस फाइनली हमारा ये मास्किंग करके हो चुका है, अभी हमने रेड को सेफ कर दिया है और वाइट ऑलरेडी सेफ था, तो अभी इसके ऊपर हम करेंगे ब्लैक, फिर उसके ऊपर ब्लैक लेकर एंड ओवरऑल ये काम पूरा हो जाएगा। तो गाइस वो जो मास्किंग किया था उसको वापस निकालना पड़ गया, क्योंकि ग्लिटर और लेकर नहीं मारा था उस पर, एंड अगर उस पर अभी नहीं मारते ग्लिटर और लेकर और डायरेक्ट मास्क कर देते थे तो प्रॉब्लम ये होता था कि वो चीज़ भी मैट में कन्वर्ट हो जाती थी और या तो उस पर ग्लिटर नहीं रहता था, तो इसलिए वो निकाल दिया। कोई नहीं, वापस बाद में कर देंगे, तब तक हम इस पर जा रहे हैं थोड़ा स्टिकर लगाने एंड फिर इस पर स्टिकरिंग हो जाएगा, इसे हम वापस रख देंगे और फिर बाद में वापस लेकर मार के ये कंप्लीट हो जाएगा एक साइड पे। तो जितना होता जाएगा उतना हम लोग पैनल भी लगाते जाएंगे गाड़ियों पर। तो गाइस अभी हम लोग आ गए प्रतीक के यहाँ पर एंड हम लोग स्टिकर वर्क ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए, डिज़ाइन ढूंढ लिया है। यहाँ हम लिखाने वाले जयेश का नाम, यहाँ जयेश ट्राइकर ऐसा, एंड यहाँ पर आने वाला है हमारा लोगो पोलू मोटर्स का। और ये तो अभी तक सिर्फ टैंक पैनल लगा है और ये इतना अच्छा दिख रहा है गाड़ी, मुझे पता नहीं पूरा गाड़ी बनने के बाद क्या होने वाला है, दहलका मच जाएगा दहलका। इसको दो किया, अभी इसको उसके नीचे ला दो करके, इधर लाना इधर, थोड़ा राइट जा राइट, थोड़ा ऊपर ले उसको, मेरे को सिर्फ देखने का क्या साइज आ रहा है इसका पूरा। तो गाइज अभी अपना जयेश राइकर तो चिपका के हो गया है, पोलू मोटर जाना बाकी है, वो भी लग जाएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। एक कटवाया था एक्चुअली, बट वो थोड़ा ऑफ चिटक गया तो हमने उसे एक्सेस पे लगा दिया। एक्सेस तो क्या एज इट इज़ बाद में रैप करने वाले पूरा का पूरा, तो फिलहाल के लिए वो रखे, बाद में उसको लगा देंगे। एंड ये चेक करो गाइस, ये पोलू मोटर्स का डी है, तभी इसे लगाने वाला हूँ।
तो गाइज अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ क्योंकि आज भी काम थोड़ा कम ही रह गया था, वो हो जाएगा थोड़े टाइम में कंप्लीट। अभी जो गलत किया था उसे वो वापस करने वाले, तो फिर मास्किंग करता वापस मिलता है आपसे। एंड ये चेक करो, मयूर इन द हाउस।